असलम स्टूडियो में बात करेंगे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की ना व्हाट इज़ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की बेसिकली ड्यू टू हाइपरटेंशन देयर इज डैमेज टू रेटिनल सर्कुलेशन एंड डैमेज टू रेटिना ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर के ड्यू टू हाइपरटेंशन या ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर जो हाइपर में होता है रेटिना का डैमेज हो रहा है और रेटिनल सर्कुलेशन का डैमेज हो रहा है पैथोजेनेसिस so, हमने याद नहीं करनी पैथोजेनेसिस के पास बेसिकली तीन पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्यों हो सकती है ड्यू टू ये देखा जाता है कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो जो आट्रीओल्स हैं उनकी नेरोविंग वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है साथ में ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्रील्स इट कैन लीड टू स्कीमिंग ऑफ द आर्ट्रियोज एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड लास्टली ड्यू टू चेंजेस हमको रेटिना में क्या कहते हैं डिफरेंट हाइपर टेंसिव वही रेटिनोपैथी नजर आती है तो में इसके बस तीन पॉइंट्स थे कि नेरोविंग ऑफ द आर्ट्रियोल्स इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड आर्ट्रियोस्कोटिक चेंजेस क्लिनिकल फीचर्स की बात करें ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं दे आर एसिम्टोमेटिक देर इज सडन ऑनसेट ऑफ़ पेनलेस विजुअल लॉस एंड देर इज हेडेक अब जो साइंस होते हैं जो कि हमको फंडस एग्जामिनेशन के थ्रू नज़र आते हैं उनकी अलग से दो क्लासीफिकेशन हैं और वो दो क्लासीफिकेशन्स हमने याद करनी होंगी एक है कीथ वैग्नर एंड बार्क क्लासिफिकेशन जो कि है कीथ वैग्नर एंड बार्क क्लासिफिकेशन किन लोगों के लिए बनी है ओल्डर इंडिविजुअल्स के लिए जिनके पास जिनमें आर्ट्री स्क्लेरोटिक चेंजेस नज़र आ रही हूँ वेर जो मॉडिफाइड्स की क्लासिफिकेशन है दैट मोडिफाइड्स की मॉडिफाइड्स की क्लासीफिकेशन दीज आर फॉर योर यंगर इंडिविजुल्स हु डू नॉट हैव एनी आर्ट्री ऑफ स्केरटिक चेंजेस ये क्लासीफिकेशन हमने बाई हार्ट याद करनी होगी अब हम बात नहीं कीथ एंड वैगनर बार क्लासीफिकेशन में कीथ वैगनर एंड बारकर क्लासीफिकेशन में डिफरेंट ग्रेड्स हैं ग्रेड वन से लेकर फोर तक ग्रेड वन में क्या मिलेगा सिर्फ जनरलाइज सी आर्ट्रियोल्स की नेरविइंग मिलेगी उनकी वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मिलेगी ब्रॉडनिंग ऑफ द आर्ट्रियोलर लाइट रिफ्लेक्स एंड कंसीलमेंट ऑफ वेन by आर्ट्रियोल के जो arterioles होंगे वही तरफ से वेन्स को छुपा रही होंगी ये सिर्फ ग्रेड वन में ये तीन पॉइंट्स मिलेंगे ग्रेड टू में क्या मिलता है ग्रेड टू में हमको ये ग्रेड वन वाली चेंजेस नजर आती हैं साथ में हमको फोकल आर्ट्रियोल constriction मिलती हैं कि उधर जनरलाइज थी यहाँ पर अब लोकलाइज हो गई है फोकल हो गई है लोकलाइज या फोकल आर्ट्रियोलर constriction हमको एट्रियोवीनस क्रॉसिंग चेंजेस नज़र आएंगी एंड ये कौन सी क्रॉसिंग चेंजेस होती हैं कि बेसिकली हमको एट्रियोवीनस निकिंग नज़र आती है इन्होंने एट्रियोवीनस निकिंग दिखाई दिया इसमें हमको तीन तरह के साइन मिलते हैं सेलस साइन गन साइन वॉलेट साइन ये साइंस याद रखने होंगे ये होते क्या हैं बेसिकली यहाँ पर इस लेवल पर ये जो थिक्स ही है दिस इज़ यर्ट्र जिसमें आर्टरी इसके योटिक चेंजेस प्रेजेंट हैं उसने किया क्या कि है उसने इस जगह पर जो वेन है वेन जो क्रॉस कर रही थी आर्ट्री ओल को उसने यहाँ पर वेन को वो कर दिया है कंप्रेस uh, कर दिया इस दियारोटिक आर्ट्रियोल ने यहाँ पे वेन को कंप्रेस कर दी यहाँ पे नैरोविंग हो गई है उसकी वजह से हमको डिफरेंट डिफरेंट साइंस नज़र आते हैं वो डिफरेंट साइंस हमें कौन से नज़र आते हैं एक होता है सेलस साइन व्हाट इज सेलस साइन के डिफ्लेक्शन ऑफ द रेटेनल वेन एज इट क्रॉसेज द आर्ट्रील्स अब इसमें ईजिली हमको uh, वैसे नज़र तो आ रहा है लेकिन बेसिकली ये देखा गया कि सपोज इस तरह आ रही थी ना वेन अब वेन ने क्या करना था वेन ने यूं करके जो वेन की डायरेक्शन होनी थी उसने वेन ने असूलन यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था लेकिन वेन ने क्या किया जैसी वो इस आ, क्या कहते हैं नैरोविंग वाले पॉइंट से आगे गई वो इस जगह पर डिफ्लेक्ट कर गई कि वो वेन ने करना क्या था वेन जब आती वेन यूं जाती लेकिन वेन ये जो रेटिनल वेन है ये इस तरह डिफ्लेक्ट हो गई है इस डायरेक्शन में सो so, दिस साइन के डिफ्लेक्शन ऑफ द रेटिनल वेन एज इट क्रॉसिस दस दिस साइन इज नोन न सेलस साइन गन साइन बोनेट साइन उन्होंने इसमें दिखाई भी नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ होते कि हैं गन साइन इस टेपरिंग ऑफ द वेन ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रॉसिंग कि गन साइन ये होता है कि बेसिकली यहाँ तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में वेन जो होती है वो छोटी होती टेपरिंग नज़र आ रही होती या वेन मतलब के कहते हैं कि टेपरिंग क्या होती है टेपरिंग बेसिकली यही होती है कि एक जगह से एक एंड से आपकी जो चीज़ है वो खत्म हो गई है या श्रिंक हो गई है तो अगर इन दोनों में से किसी जगहों से हमको वेन श्रिंक हुई भी छोटी हुई हुई या खत्म हुई हुई नज़र आती दैट वुड बी नोन एज गन साइन एंड लास्टली वट इज़ योर बोलेट साइन बैंकिंग ऑफ़ द रेटेनर वेन डिस्टर टू द ए वी क्रॉसिंग कि जैसे ही इसने यहाँ से क्रॉस किया क्रॉस करने के बाद अगर हमको यहाँ से जो वेन होती वो डायलेटेड सी नज़र आती दैट मींस कि इट वॉज अ बोनट साइन कि बैंकिंग ऑफ द रेटेनर वेन का यही मतलब है कि डिस्टर टू ए वी क्रॉसिंग एज इट हैज़ क्रॉस द एट निक एरिया इट हैज बिकम डायलेटेड जिस तरह रिवर बैंक नहीं बन जाते कि यूँ रिवर एकदम से खुल जाती है बैंकिंग बन जाते हैं उस तरह वेन की बैंकिंग हो जाती है कि वो वेन यहाँ पर डायलेट हो जाती तो ये ग्रेड टू में हमको ग्रेड वन चेंजेस के साथ साथ ये तीन अलग से साइन याद रखने होंगे फिर ग्रेड थ्री क्या होती है ग्रेड थ्री में एक तो ग्रेड टू वाली चेंजेस मिलती हैं साथ में रेटना के लेवल पे एडिनम एडिमा मिलेगा एक्सोड्रेड फॉर्मेशन मिलेगी कॉटन वूल स्पॉट्स मिलेंगे और हेमरेज मिलेगा एंड यहाँ पे जो अपेरेंस होगी आर्ट्रियोल्स की दैट वुड बी कॉपर वायर इन कलर एंड ग्रेड फोर में हमको वही ग्रेड थ्री वाली सारी चेंजेस मिलेंगी एंड साथ में ऑप्टिक डिस्क का एडिमा मिलेगा एंड सिल्वर वायर कलर मिलेगी अब क्या कहते हैं आर्ट्रियोल्स की अपेयरेंस तो ये हमने ग्रेडिंग याद रखनी वैगनर एंड है क्लासिफिकेशन नाउ वी कम्स टू योर मॉडिफाइड स्की क्लासिफिकेशन विच आर फॉर योर यंगर इंडिविजुअल्स हु डू नॉट हैव इंडिविजुल्स हुट चेंजेस उनमें भी चार ग्रुप्स दिखी गई हैं ग्रुप वन में क्या है ओनली स्लाइट कंस्ट्रिक्शन ऑफ रेटिनल आर्ट्रियोल्स ग्रुप टू में क्या है ग्रुप वन वाली चेंज साथ में फोकल लोकलाइज नैरोइंग मिलेगी रेटिनल आर्ट्रियोल्स की विद एडिशन ऑफ एट्रोवीनस निकिंग जो हमको वहाँ ग्रुप टू में मिल रही थी कि यहाँ पे भी एट्रोवीनस निकिंग मिलेगी ग्रुप थ्री में क्या होगा ग्रुप टू वाली चेंजेस मिलेंगी साथ में हमको हेमरेजेस मिलेंगे किस तरह के हेमरेजेस मिलेंगे डॉट ब्लॉट एंड फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस मिलेंगे ये डॉट ब्लॉट इन्होंने यहाँ पे दिखाई भी नहीं है लेकिन ये फ्लेम शेप्ड इन्होंने हेमरेज दिखाए हैं कि बिल्कुल आग की तरह के ये आग की तरह के हमको यहाँ पे हेमबरेजेस मिलेंगे और डॉट ब्लॉट हेमरेज भी हमको साथ में मिलेंगे उसके साथ क्या मिलेगा कॉटन वूल स्पॉट्स मिलेंगे जो कि उन्होंने ये दिखाए हैं एंड हार्ड एक्जुट वेट्स मिलेंगे ये सब हमको मिलेगी ग्रुप थ्री में एंड ग्रुप फोर में क्या होगा ग्रुप फोर में हमको ये तीनों ग्रुप थ्री क्या कहते हैं ग्रुप थ्री वाली चेंजेस भी मिलेंगी साथ में ऑप्टिक डिस्क के लेवल पे स्वेलिंग हो गई होगी जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई है कि ऑप्टिक डिस्क जो है वो एडिमा की वजह से इवेंचुअली ऑप्टिक डिस्क है स्वेल्ट एंड ये हमको कॉटन वूल स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ये रेटिनल हेमरेज नज़र आ रहे हैं इसमें वो डॉट ब्लॉट एंड क्या कहते हैं फ्लेम शेड अपेयरेंट सही से वो नहीं हो रही नज़र नहीं आ रही लेकिन ये उन्होंने ग्रुप फोर की दिखाई है तो अगेन हमने जो इसकी क्लासिफिकेशन है बस ये चारों की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो याद रखनी होगी ना वट इज़ मे हाइपर टेंशन दिस इज बेसिकली हाइपर इट इज़ बेसिकली कि जब हाइपर टेंसिव एटिनोपैथी की वजह से होता है क्या है बाइलेट्रल डिस्क एडीमा होने लग जाता है और ये क्यों होता है या तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो वो 220 से रेस्ट हो या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से रेस्ट हो और जो हमारे पास वो होती हैं जो वेस्कुलेचर होता है ना जो क्रोडल वेसल्स होती हैं उनमें हमको फिब्रिनोड नेक्रोसिस नज़र आने लग जाते हैं जो आर्ट्रोल्स हैं उसमें फेब्रेनोइड नेक्रोसिस नज़र आने लग जाते हैं एंड ड्यू टू द फिब्रोइ नेक्रोसिस ऑफ द क्रोइडल आर्ट्रियोल्स होता क्या है कि जिस जिस जगह पर फिब्रोइ नेक्रोस मिल रहा होता है उस जगह पर हमको सेगमेंटल इन मिलती है उन आर्ट्रील्स की उन रेस्कुलेटर्स की एंड उसकी वजह से भी हमको तीन साइंस मिलते हैं एक है एल्शिंग स्पॉट एक है सीगर स्ट्रीक और ये लास्ट वाला ये है कि बेसिकली होता क्या है एल्शिंग स्पॉट क्या है कि जो रटना की हमने लेयर्स पड़ी थी उसमें से जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथीलियम वाली लेयर होती है दैट वुड अपीयर येलो सीगर स्ट्रीक क्या है कि जो रेटिनल पिगमेंट एपीथीलियम वाली लेयर है उसका हमें हाइपरप्लेजिया नज़र आ रहा होगा ओवर द कोरोइडल इन एंड लास्टली जो न्यूरोसेंसरी रेटिनल पिगमेंट एपीथीलियम होगा उसकी डिटैचमेंट मिलेगी सो so ये एक कुछ क्या कहते हैं वो कुरयडोपैथी या कोरोइड के लेवल पे कुछ चेंजेस हैं जो कि हमको हाइपरटेंसिव या मिलिग्नेट हाइपरटेंशन में मिल सकती हैं ट्रीटमेंट किस तरह ट्रीटमेंट इसकी फेयरली इजी है कि अगर हमने सिस्टेमिक हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर लिया तो उसकी वजह से जो ये रेटिनोपैथी लाइक चेंजेस जितनी भी थी वो खुद ब खुद ही इवेंचुअली रिजॉल्व कर जाएंगी सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हाइपर टेंशन रेटिनोपैथी इसमें जो वो दो क्लासिफिकेशन हैं बस वो चीज़ बाई हार्ट याद होनी चाहिए तो आई होप वीडियो समझ में आ गई हो एंड थैंक यू